बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी पहचान दुनिया भर में है। लोग उन्हें सिर्फ फिल्मों के लिए पसंद नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया पर उनके कई वायरल क्लिप मिल जाएंगे जिनमें वो लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ उनकी विटीनेस और उनका बिहेवियर लोगों को खूब पसंद आता है। अब शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं तो जाहिर है उनके पास सिक्योरिटी होना लाजमी है। उनकी हालिया फिल्म पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से धमाल मचाया है उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन जब इंसान इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके सिर्फ चाहने वाले नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उसके दुश्मन भी पनपते होते हैं। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां मिली थी जिसके बाद शाहरुख खान को वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा दी गई थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुपरस्टार की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों पठान और जवान की सफलता के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियों की एक लिखित शिकायत मिलने के बाद उनकी सुरक्षा लेवल को वाई प्लस कैटेगरी में अपग्रेड करने के आदेश दिए थे। वहीं हाल ही में मुंबई के एक थिएटर में सुपरस्टार शाहरुख खान को पहली बार अपनी वाई प्लस सुरक्षा टीम के साथ स्पॉट किया गया। किंग खान कुछ कुछ होता है के 25 साल पूरे होने पर इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहे फैंस को सरप्राइज करने के लिए करण जौहर और रानी मुखर्जी के साथ पहुंचे थे। बता दें कि शाहरुख खान काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है को 25 साल पूरे हो गए हैं। इसका जश्न मनाने के लिए मुंबई में फिल्म मेकर करण जौहर ने फैंस के लिए 3 स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की थी। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में शाहरुख अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने मन्नत घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एक्टर इस दौरान अपनी कार में बैठे हुए नजर आते हैं और इसके बाद उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें घर लेती है। शाहरुख खान की इस वाई प्लस सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। इससे पहले उनके पास सिर्फ 2 पुलिस वाले ही सिक्योरिटी में थे। तो आखिर आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर इस सिक्योरिटी का खर्चा कौन उठाएगा। तो आपको बता दें कि किंग खान को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी का खर्चा वो खुद ही उठाएंगे। इसका भुगतान एक्टर को महाराष्ट्र सरकार को करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर सर भाई आगे नहीं बेटा, आगे नहीं।